नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक आ सकते हैं सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स ग्रुप में। तो यूपी स्पेशल की जो पहली सीरीज है, इसमें मैं यूपी का करंट अफेयर्स, यूपी की जो समसामयिक है, इसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी यूपी का करंट अफेयर जहाँ से मिलेगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो जो पहले बुक्स में दे रखा पहले उसे फटाफट रट लेते हैं आप लोग। अगर मैं ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को जो बुक्स आई हुई है मैगजीन, इसमें से यूपी वाला हिस्सा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला, नमामि गंगे जागृति यात्रा। नमामि गंगे जागृति यात्रा क्या है ये? ये बिजनौर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले बिजनौर से लेकर बलिया तक चलाई गई एक यात्रा है, जिसके अंतर्गत गंगा नदी के किनारे बसे हुए कम से कम जो 25 शहर हैं, 25 शहरों के 108 ब्लॉक, ये यात्रा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया, जो कि बिल्कुल पूर्वोत्तर का हिस्सा है जिले का, वहाँ तक ये 1025 किलोमीटर की यात्रा चलाई गई, जिसके अंतर्गत 25 बड़े शहर उत्तर प्रदेश के जो गंगा नदी किनारे बसे थे, वो उसके 108 ब्लॉकों से यात्रा गुजरी। ठीक है, उसके 8 ब्लॉकों से यात्रा गुजरी है, जिसके अंतर्गत गंगा के किनारों को सफाई रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, नमामि गंगे जागृति योजना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी पहली विदेश यात्रा कहाँ हुई? म्यांमार में हुई है। कहाँ हुई है? म्यांमार में हुई है। उनकी पहली विदेश यात्रा कहाँ हुई है? म्यांमार में हुई है, 5 अगस्त से 7 अगस्त। इसके अंतर्गत उन्होंने, वो किस कार्यक्रम के तहत गए थे वहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं पर्यावरण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं पर्यावरण सम्मेलन, इंटरनेशनल पीस एंड एनवायरमेंट समिट में गए थे वो, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए। ठीक है, वहाँ पे चीफ गेस्ट थे वो, क्या थे? चीफ गेस्ट थे। और ठीक है, अगला है, यूपी में अब कुपोषण मुक्त गांव बनेंगे। मतलब क्या? यूपी के गांवों को कुपोषण मुक्त करने की योजना चलाई गई, शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो अधिकारी हैं जिले के, अपने जिले के हर 6 महीने के लिए 2 गांवों को गोद लेंगे और उसमें चीज़ों को इंश्योर करेंगे, बेसिक जो चीज़ें दे रखी हैं कि 5 साल तक के बच्चे और तथा गर्भवती महिलाओं के ऊपर कुछ कार्य करेंगे, जिसके कारण कि कुपोषण मुक्त उसका सूचकांक में उसको डाला जा सके, जिसके अंतर्गत अधिकारी 2-2 गांव लेंगे हर 6 महीने के लिए और उनको 6 महीने के भीतर उन गांवों को कुपोषण से मुक्त करना होगा। कुपोषण से मुक्त गांव कब माना जाएगा? जब उस गांव की 75% प्रेग्नेंट वुमेन्स को फॉलिक एसिड की गोलियां मिल रही हों, आयरन की, फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती हैं, ताकि अनीमिया ना हो, तथा उस गाँव में 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का कोई बच्चा कुपोषण की लिस्ट में WHO की जो पैमाने हैं उसमें रेड लिस्ट में आ हो, WHO के जो पैमाने हैं, जो बेसिक जो स्केल हैं उसको उम्मीद करता हो, ताकि उसमें वो डिप्रिशिएट ना हो, कम ना हो, है ना, उन आंकड़ों में ऊपर रहे उसका डाटा। ठीक है, और गांव में गर्भवती महिलाओं में अनीमिया की समस्या 25% तक हो, बस 75% महिलाएं अनीमिक ना हो, जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब 100 में से कम से 75 औरतों को खून की कमी ना हो, तो उस गाँव को कुपोषण फ्री बोला जा सकता है, माल न्यूट्रिशन फ्री बोला जा सकता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, टोटली जिम्मेदारी अधिकारियों के ऊपर दिया गया है, हर 6 महीने में 2 गांव। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने यूपी में शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, विवाह का जो रजिस्ट्रेशन है, हम लोग शादियों का सब लोग कर लेते हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, है ना, SDM कोर्ट में जाके, वहां पे अब इसका रजिस्ट्रेशन कराना इसका बहुत मस्ट है। अगर किसी भी आप सरकारी लाभ या सरकारी किसी भी उपक्रम में कोई भी अगर प्रतिवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको ये मैरिज सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। नेक्स्ट, पिंक बसेस, यूपी सरकार 50 पिंक बसेस चलाएगी, गुलाबी बसेस, पिंक बसेस किसके लिए? महिलाओं के, ये वुमेन्स स्पेशल बसें होंगी जो कि महिलाओं को सुगमतापूर्वक आसानी से यात्रा करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। इसके लिए जो ये बस चलाया जाएगा, इसके लिए निर्भया फंड यूज होगा, निर्भया फंड जो पहले बनाया गया था ना, ठीक है, निर्भया कांड याद है आपको, उसके बाद निर्भया फंड बनाया गया था जो वुमेन्स ओरिएंटेड वर्क को करने के लिए, जिसके अंतर्गत पिंक नाम से स्कीम चलाई गई, जिसके अंतर्गत 50 बसें चलाएंगी औरतों को सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, गोरखपुर में एम्स की स्थापना होगी, गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए आधारशिला रख दी गई है, तो अगला एम्स गोरखपुर, ठीक है, और एक असम में, ठीक हो गया। अगला, नए
कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश के नए कैबिनेट सचिव, ये राजीव कुमार ने तो नाक में दम कर दिया। इस बार दुनिया भर के राजीव कुमार आ गए, एक और राजीव कुमार, ठीक है। सेंटर में कौन कौन है, राजीव महर्षि, राजीव गाबा, राजीव कुमार, नीति आयोग वाले, ये चौथे राजीव कुमार, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव कुमार। चलिए, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश ने मुगल सराय जो क्षेत्र है, जो स्टेशन पड़ता है बहुत बड़ा, उसका नाम दीनदयाल नगर कर दिया है। मुगल सराय का नाम जो कि शहर है उसका नाम क्या कर दिया है, दीनदयाल कर दिया है, एक टाउन है वो, दीनदयाल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने न्याय पंचायत को खत्म करने का की संस्तुति की है, विधेयक पेश किया है न्याय पंचायत को खत्म करने के लिए। न्याय पंचायत मैंने आपको कराया था ना, ये पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है उसमें सबसे निचला तत्व ये होता है, जो ग्राम स्तर पे जो पंचायतों को जो थोड़ी सी न्यायिक पावर मिली होती है उसके लिए, उत्तर प्रदेश में है ये, तो इसको खत्म करने की सिफारिश चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मुखबिर योजना, मुखबिर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है ये, कन्या हत्या, भ्रूण, कन्या भ्रूण हत्या नियो, जो ये कोख में ही लड़कियों का टेस्ट करके और उन्हें मार दिया जाता है, इसको रोकने के लिए मुखबिर योजना शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है कि कोई व्यक्ति अपना, कोई महिला या कोई डॉक्टर भ्रूण कन्या का टेस्ट कर रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है जो कि बैंड है, और उसका उनका एम उसको कोख में ख़त्म करने का है, तो इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को 3 लाख का अवार्ड मिलेगा, 3 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और इसके लिए नंबर जनरेट किया गया 181 महिला हेल्पलाइन। इस पर कॉल करके कोई भी अगर ये सूचना दे दे कि कन्या भ्रूण हत्या का कार्य कहीं हो रहा है या ऐसा कोई भी अल्ट्रासाउंड इस टाइप का हो रहा है, तो उसको 3 लाख तक का अवार्ड मिलेगा और वो मुखबिर योजना, ठीक है। आगे चलते हैं, 64 जिलों में ये बनाया गया है। अगला है, एक नया एयरपोर्ट बनाने की बात कर दी गई है कैबिनेट में, जेवर में, जो कि ग्रेटर नोएडा में नया एयरपोर्ट बनेगा, ग्रेटर नोएडा में नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है जेवर। नेक्स्ट, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में 20 जून 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। कहाँ बनी है ये, लखनऊ में बनी है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है, कैंपस इसका उद्घाटन हो गया है। आगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है, ये देश का सबसे लंबा पूर्वांचल का एक्सप्रेस, पूरे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, 343 किलोमीटर लंबा, ये लखनऊ से लगभग आजमगढ़, गाजीपुर वगैरह होता हुआ निकलेगा बलिया तक, और ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र कवर करेगा, जैसे ही ये आगरा एक्सप्रेसवे बना है उसके बाद, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो बन गया है, अब ये पूर्वांचल की बारी थी, काफ़ी टाइम से ठंडे बस्ते में था, तो इसको मंजूरी मिल गई, इसका फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। नेक्स्ट है, नो बैग डे, नो बैग डे, इसके अंतर्गत जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसके उसमें हर शनिवार को बच्चों को बस्ता लेके नहीं आना, ये स्कीम चलाई गई ताकि बच्चे फ्री रहें पढ़ाई से और कुछ को करिकुलर एक्टिविटी में, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। सैटरडे को बस्ता नहीं लाना है स्कूल में, दिल्ली यूपी गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के रूप में बोला है, उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है, 24 जनवरी को। अगला है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, यूपी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आधार को अनिवार्य कर दिया है कोई भी बेनिफिट लेने के लिए, जो कि खाद वगैरह, जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह पे जो भी सब्सिडी वगैरह मिलती है वो सबको आधार लिंक कर दिया गया है, उसके लिए किसान के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। कितने नए विज्ञान केंद्र खोले गए, 20, कितने नए खोले गए, 20, ठीक हो गया। कहाँ कहाँ हो रहे हैं सुनते रहिएगा बस, लखीमपुर खीरी, हरदोई, आजमगढ़, जौनपुर, बदायूं, सुल्तानपुर, बहराइच, मुरादाबाद, गोंडा, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, हापुड़, शामली, संभल, अमेठी, कासगंज, श्रावस्ती, अमरोहा, इलाहाबाद, 20 हो सके तो रट लेना, मेरे से तो नहीं रटा जाएगा। आगे, सर्वदा योजना क्या है, सर्वदा योजना, सर्वदा योजना है, इसकी फुल फॉर्म है ये सर्वदा, SARVADA, ये बिजली विभाग से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसकी है स्पेशल एमएनएसटी फॉर रिस्पॉन्सिबल वॉलंटरी डिक्लेरेशन। इसके अंतर्गत इस योजना के दौरान जिन लोगों ने भी अवैध कनेक्शन ले रखे थे, उनको अपना कनेक्शन वैध कराने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है।
इस स्कीम के तहत कोई भी अपना जो इलीगल तरीके से जिसने कटिया डाल रखी है, तार डाल रखा है ना, बिजली कनेक्शन नहीं ले रखा, तो उसको लीगलाइज करा सकता है और प्रॉपर चैनलाइज होकर अपना बिजली को लीगल तरीके से यूज कर सकता है। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल एमएनएसटी फॉर रिस्पॉन्सिबल वॉलंटरी डिक्लेरेशन। ठीक हो गया सर्वदा। नेक्स्ट है किसानों के कर्ज माफ हो गए हैं, ठीक हो गया, सीमांत किसानों के जिनके एक एकड़ से कम जमीनें थी, एक एकड़ से कम जमीनें थी, उनके कर्ज माफ हुए हैं। करीब 36,000 करोड़ के कर्ज माफ किए गए हैं। ये मैं बताऊंगा आपको जब यूपी का बजट कराऊंगा तब। नेक्स्ट है, ठीक है इतना करिए, अगला यूपी स्पेशल अगली वीडियो हम तैयार करते हैं, छोटी छोटी वीडियो देखते हैं और निपटाइए फटाफट। थैंक यू।